अगर मैं 2022 में क्लास 12 क्लियर कर रही होती तो मैं कौन सा करियर चूज करती, जानेंगे इस वीडियो में। मैं ऐसा 8 करियर अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं मेरे लिए चूज करती। ये कोई मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं है और डेफिनेटली आपको बुरा फील करवाना भी नहीं है अगर आप ये 8 करियर में से कोई एक करियर चूज नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक माई वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगी जो क्लास 12 पास कर लेने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स मतलब ये फील्ड को चूज कर सकता है। और अगर मैं 2022 में क्लास 12 क्लियर कर रही होती तो इनमें से एक करियर अपॉर्चुनिटीज मैं सिलेक्ट करती। और इनमें से एक करियर है जो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ, जो मैं आगे में आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट ये एक ऐसा जॉब है, इसको IT सेक्टर में हाईएस्ट पेइंग जॉब माना जाता है। ये लोग एक पर्टिकुलर बिजनेस में टेक्नोलॉजी के मदद से उस बिजनेस का जो रॉ डेटा होते हैं उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके उस बिजनेस में जो सारे प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करके उसका जो प्रॉपर रेमेडी है उसको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और ये जॉब करने के लिए आपके पास BE, BTech और डेटा साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होना पड़ेगा। ये जॉब को मास्टर करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से जो कोडिंग होता है उसको सीखना पड़ेगा। और ये रहे कुछ बड़े कंपनीज के नाम जो डेटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं, जैसे कि एप्पल, गूगल, मेटा, अमेजन, ये सारे जो बड़े बड़े कंपनी से डेटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं। और ये रहे एक डेटा साइंटिस्ट के सैलरी। और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। ये एक ऐसा जॉब है जो पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ये फील्ड में काम करने के लिए आपको कुछ यूनिक्स नए नए टेक्निक्स डिस्कवर करनी पड़ेगी। आप उसी के मदद से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और पर्टिकुलर सर्विस को सेल कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर। और ये फील्ड में मास्टरी अचीव करने के लिए कंटेंट राइटिंग, SEO एनालिस्ट और सोशल मीडिया मैनेजर ऐसे जो थिंग्स होता है यहाँ पर आपको डीप नॉलेज अक्वायर करनी पड़ेगी। और ये जॉब करने के लिए अगर डिग्री की बात किया जाए तो आपके पास मास कम्युनिकेशन, पीयर और मार्केटिंग में बैचलर्स डिग्री होनी पड़ेगी। और अगर सैलरी की बात किया जाए, एक बेसिक डिजिटल मार्केटर का सैलरी होता है 3 से 6 लाख रुपए और जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनको 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ भी मिलता है। और थर्ड जो जॉब है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये तो बहुत पहले से नहीं बट अभी ये जो फील्ड है ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और ये जो जॉब है यहाँ पर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट जैसी बहुत सारी चीज़ इंकॉर्पोरेट होते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हुए टेक्नोलॉजी के एरा में, अगर आपका टेक्नोलॉजिकल मैटर्स में इंटरेस्ट है तो आप ये करियर डेफिनेटली आपके लिए चूज कर सकते हो। और ये करने के लिए आपके पास LLB डिग्री होना चाहिए। और ये जो फील्ड है इस फील्ड में मास्टरी अचीव करने के लिए आप आपके कॉलेज के दिन से ही किसी IP लॉ प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट के पास इंटर्नशिप जरूर कीजिएगा। ये रहे सैलरी डिटेल्स और कुछ बड़े बड़े कंपनीज के नाम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर को हायर करते हैं। नेक्स्ट आई हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब तक इंडिया में टैक्स पेइंग, ऑडिटिंग ये सारे सिस्टम्स रहेगा तब तक ये जॉब को हाईली पेड जॉब में से एक जॉब माना जाएगा। और पहले तो ये जॉब उतना पॉपुलर नहीं था बट अभी ये जॉब बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। और ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 3 लेवल्स रहता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। और CA का जो एग्ज़ाम होता है इसको वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। और एक CA का सैलरी 7 लाख रुपए से 75 लाख पर मंथ हो सकता है। और ये रहे कुछ बड़े बड़े कंपनीज के नाम जो एक CA को हायर करते हैं, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप एट्सेट्रा। एंड नेक्स्ट आई हैव कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपका क्लास 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स आना चाहिए। और ये जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है इसमें आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। और एक कमर्शियल पायलट बन जाने के बाद आप कार्गो और पैसेंजर फ्लाइट्स उड़ा सकते हैं। ये रहा एक कमर्शियल पायलट की सैलरी डिटेल्स। और नेक्स्ट जो जॉब के बारे में आपको बताऊंगी ये फिनेंशियल मार्केट में एक हाईएस्ट पेड जॉब इसको माना जाता है और वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर।
इन्वेस्टमेंट बैंकर एक ऐसा पर्सन होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं उनका जो फिनेंशियल एसेट्स है उनको कब कहां कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि वहां से हाईएस्ट रिटर्न आ सके। और यहां पर मेनली जो क्लाइंट्स होते हैं वो कोई बैंक और फर्म भी हो सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के एक फिनेंशियल एडवाइजर भी बोला जाता है। और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स में, फिनेंस में और अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन के डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्री होना चाहिए। और अगर सैलरी की बात किया जाए तो ये रहा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी। इसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए रिसर्च करने की स्किल और चीजों को एनालिटिकल नजरियों से देखने का जो स्किल होता है वो होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आई हैव मेडिकल प्रोफेशनल्स यानी कि डॉक्टर एंड सर्जन। और एक डॉक्टर या फिर सर्जन बनने के लिए आप सभी को पता है आपके पास MBBS डिग्री होना पड़ेगा। और अगर एक बेसिक सैलरी पैकेज की बात किया जाए तो ये रहा एक डॉक्टर और सर्जन की सैलरी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। एक प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आपके पास सॉलिड कम्युनिकेशन स्किल होना पड़ेगा, नेगोशिएशंस करना, कोलैबोरेशन करना और आपके पास किसी को इन्फ्लुएंस कर पाने का जो स्किल है जो इन्फ्लुएंसर्स के पास होते हैं ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। और अगर आप बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, आपके पास एक सॉलिड कम्युनिकेशन स्किल है तो आप डेफिनेटली ये वाला प्रोफेशन चूज कर सकते हो। और अगर क्वालिफिकेशंस की बात किया जाए तो ये जॉब करने के लिए आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और मार्केटिंग में बैचलर्स डिग्री होना पड़ेगा। और ये फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत ही मैटर करता है। आपका जितना एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी मिलता है। ये रहा कुछ सैलरी डिटेल्स जो एक प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर को मिलता है। एक बेसिक सैलरी की बात किया जाए तो एक प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर को 7-8 लाख रुपए पर मंथ मिलता है और जिनका हाईएस्ट एक्सपीरियंस हो गया है उनको 17-26 लाख रुपीस पर मंथ मिलता है। और ये रहा कुछ बड़े बड़े कंपनीज के नाम जो एक प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर को हायर करते हैं जैसे कि डेल, फ्लिपकार्ट, IBM एटसेट्रा। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है। अगर हाँ तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।